पता है? इसी तरह उन्होंने पहले भी आपको मुझसे छीन लिया था, लेकिन तब मैं कमजोर थी ना। आलम साहब भी इस लड़ाई में शामिल हो गए और वो एक एक करके हमको हरा रही है। आप क्यों लाए थे हमें इस घर में? नहीं लाना चाहिए था आपको। तुम मेरी नीली को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, मैं बात करूंगा उससे। नीली देखो, हमारी बेटी। नहीं, मैं अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगा अभी अपनी बीवी बच्चे के साथ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चले जाना, लेकिन अभी नहीं। लेकिन क्यों? दुआएं, दम, तावीज, ये सब सिंबल है। जिंदगी और मौत देने वाला, परेशानियों में मुब्तला करने और उससे निजात देने वाला सिर्फ वो अल्लाह। ये तो बच्ची है, तुम लोगों का अगर उस पर कामिल यकीन होगा तो अभी से कुछ नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी इस घर में रहूंगा? नहीं, चले जाना, लेकिन जब मैं कहूं। मगर आलम साहब क्यों? आलम साहब ठीक कह रहे हैं, मैं अभी इस घर से नहीं जाना चाहती। सुंबुल, तुमने तो खुद कहा था हर चीज हर इंसान को खींच तान कर अपने मकसद के कालिब में नहीं ढाला जा सकता है। मान, तुम्हारी बीवी जो कह रही है किसी एहसास के तहत कह रही है जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती है, लिहाजा तुम भी उसे फोर्स मत करो। उसको शोहर क्यों नहीं बाहर आ रहा? और कौन मार रहा? सुबह होने से पहले कोई भी इस घर के अंदर नहीं जाएगा। Thank you.
परवेज, परवेज उठो, उठो परवेज। मर गए। मेरी नीली मर गई। पूरी रात मेरी बेटी के कब्र को लेकर उसने बहन किया, रोती रही, चीखती रही। लड़के एक दफा मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे माफी भी नहीं मांगनी थी उसने। मुझे बताने भी नहीं दिया कि मैं उससे कितना प्यार करता, बिल्कुल उतना ही जितना मैं उसे स्कूल में क्या करता था। मर गई मेरी नीली। होटल में क्यों रहना चाहते हो? मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं नहीं, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता आलम साहब, आप पहले मेरी बात सुनो। इस सारी जिंदगी होटल में तो नहीं रहोगे ना, फिर आखिर एक ना एक दिन को होटल छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं फौरन किराए का कर ले लूंगा। और ये घर, ये घर मेरा नहीं है। इस घर को खरीदने में जो मेरे पैसे खर्च हुए हैं ना, मैं उसे अपनी बेटी के जान का सदका समझ लूंगा। देखो भाई, एक बात मानोगे, किराए पे रहना चाहते हो ना, तो मेरे किराएदार बनकर मेरे साथ रहे। नहीं नहीं, हम साथ नहीं हो सकते। मेरे बच्चे इंग्लैंड में हो, तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो मेरी भी तनाई थोड़ी कम हो जाएगी यार। हर महीने सख्ती से मैं तुम लोगों से किराया लूंगा। महीने की 10 तारीख को मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड होऊंगा, बाकी के सारे दिन फहीम साहब। तुम मान जाओ यार। अंदर जाके अपनी चीजें खुद पैक कर लेने। तुमने एक बार कह दिया है कि अंदर तुम दाखिल नहीं हो सकती, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। आलम अंकल ने कह तो दिया है कि अब सब ठीक हो गया है, अब घबराने की क्या जरूरत है। मैं जा रही हूँ। मैम रुको, आलम अंकल तुम्हारी माँ नहीं है, मैं हूँ। तुम्हें जो कह दिया ना वो करो, इस घर की दहलीज पर कदम मत रखना। हाँ बेटा तुम बताओ, कितनी रह गई तुम्हारी चीजें? बस अम्मा, ऑलमोस्ट सब समेट लिया।
कहाँ पे मिनाल और सुमन? वो ऊपर अलमारी से कपड़े निकाल लिए। बस अल्लाह करे हम इस घर से खैर खैरियत से चले जाएं। इसमें देखती हूँ बाकी चीजें। इसे क्या हो गया? अभी तो खुला था। नीली बुरी नहीं है, प्यार करती है आपसे, लेकिन बेटा वो आपकी मामा नहीं है और ना ही आपकी दोस्त। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? मिनाल बेटा, बच्चों की दोस्ती तो बच्चों से होती है ना। बच्चों की दोस्ती बड़ों के साथ नहीं होती, जो बड़े होते हैं ना उनकी दोस्ती सिर्फ मामा और बाबा से हो सकती है। बेटा मुझसे प्रॉमिस कर, आज के बाद अगर वो आपको नजर आएगी तो आप उससे बात नहीं करोगे और ना ही दोस्ती करोगे, बल्कि आप फौरन मुझे बताओगे, पापा को बताओगे। प्रॉमिस? आवाज़ें दे रही हूँ, आप मेरे पास क्यों नहीं आ रही? मन्नू, मन्नू मुझसे बात किए बगैर तुम मत जाओ। बोलो मनु, मिनाल कुछ हुआ है क्या? मिनाल
बेटा आप ऊपर रूम में जाओ, मैं आ रही हूँ। मन्नु, 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 मैं आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्यों ये सब लोग हमें एक दूसरे से दूर करना चाहते? मेरी आखिरी खुशी मुझसे छीनना चाहते? मैं जानती हूँ, जानती हूँ तुम इधर ही हो। मैं तुम्हें देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन लेकिन तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ। माँ हो तो मेरे दर्द को समझो। बांट क्यों नहीं लेती तुम अपनी मन्नू को मेरे साथ? मैं तुम्हें शायद इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि क्योंकि वो पर्दा अब रफू हो गया, वो पर्दा जिसमें सुराख था, जिसकी वजह से तुम, मुझे, मेरी बेटी, हम सबको नजर आती। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम पर तरस भी आता है। मैं अपनी मिनाल तुम्हें नहीं दे सकती। तुम सब एक जैसे हो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम्हें तो अपनी मिनाल से इतना प्यार है कि उसके मरने के बाद भी उसके लिए जिंदा। तुम्हें जीते जी अपनी बेटी तुम्हें कैसे दे दूं? कुछ और नहीं, बस एक मां बन के सोचो, क्या तुम अपनी बेटी किसी को देती? नहीं ना, तो बस मैंने भी वही किया जो तुम करती। पता नहीं तुमने मुझे सुना है या नहीं, लेकिन मैं यहां से जा रही हूं, हम सब यहां से जा रहे हैं। ये घर कल भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। हमारी मन्नू जब बड़ी होगी तो तुम उसे मेरे बारे में बताओगी? मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर याद को मिनाल के जहन में से निकाल दूंगी। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें याद करे और लोग उसे पागल कहें। पहले ही एक हाजूरी जुड़ी है उसके साथ। अगर वो तुम्हारी यादों के साथ भरी होगी तो जिस तरह लोग मुझे पागल कहते थे उसको भी पागल कहें। मेरी मन्नू पागल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और हाँ, प्लीज तुमसे एक गुजारिश है, मिनाल को अकेला छोड़ दो, उसकी जिंदगी से चली जा, उसे अब तंग मत करना। कहना चाहती हूँ मैं तुम्हारी हर याद को मिनाल के जहन में से निकाल दूंगी। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें याद करे। मिनाल को अकेला छोड़ दो,
उसकी जिंदगी से चली जाए, उसे अब तंग मत कर। मैंने उसका नाम मीनार रखा है, अच्छा है ना? अच्छा भाई, चलो हमारे साथ, अरे घर में तुम्हारे लिए भी जगह निकली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरी जिंदगी और मौत दोनों ही इन दीवारों में बंद है। मेरी आखिरी सांसें भी इधर ही होंगी। मेरी कसम खा के बोली कि उसको कभी मुझ पे फोकियर नहीं देगा। नहीं भाई, क्या हुआ? क्यों कोई धुनिया होने वाला है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा परवेश, हमारी सच में शादी हो गई है। सच मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। इसका तो पेट बता रहा है कि लड़की पैदा कर रहा है। दाई ने भी यही कहा, लड़की नहीं चाहिए मुझे, सात बेटे हैं मेरे, मुझे बेटा चाहिए। क्या क्या था वो हमको जानबूझ कर मुझसे दूर कर रही है? ऐसा शर्मत करो मेरी मेरी मुरली नीली, मैंने कहा था
मैंने कहा था ना कि ना आऊंगा तो फिर से मर जाएगी। फिर से मर जाएगी। जिन दो औरतों से सबसे ज्यादा मोहब्बत की उन्हीं को, उन्हीं को अपने दोनों हाथों से आ गए तो इतनी देर कर दी आने में। मैंने कहा था ना हमारी बेटी होगी, पर सॉरी इतनी प्यारी है कि देखते ही प्यार हो जाता। उसका नाम मीनार रखा है। अच्छा है ना?
अच्छा भाई, खाने के बाद क्या मीठा खाना है? बाबा, मुझे खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए। आज मुझे आप स्टोरी सुना देंगे। मामा, क्या आज आप मेरे साथ सो सकती हैं? मैं क्या हो गया आपको बेटा? कुछ ज्यादा बातें नहीं करने लग गई अब आप? तमाम थैंक यू इस डिवाइस के लिए, रियली। हाँ, शुक्र है भाई। मीनार, आप स्कूल में टीचर से इससे बात कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? जी बाबा, मैं अपनी टीचर से, अपने दोस्तों से बात कर सकती हूँ और मुझे ये डिवाइस बहुत पसंद है। थैंक यू मामा, थैंक यू पापा। अच्छा, जल्दी से खाना खत्म करो, क्योंकि हम जल्दी खाएंगे तो हम घर जल्दी जाएंगे, घर जल्दी जाएंगे तो जल्दी सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, स्कूल है। स्कूल तो जा रहा, बस बस बस, ठीक है ठीक है, खाना खत्म करो, अभी बताना घर जाके, ठीक है? चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, आपके बेस्ट फ्रेंड्स के क्या नाम है? जैद, अरसल, वारिया, एमन। तो ये चारों आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यावर भी तो था आपका बेस्ट फ्रेंड। कोई बात नहीं बेटा, मुझे बता सकते हो आप, अगर वो आपसे बातें करता है, आपको तंग करता है, शरारतें करता है, मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर जैद, अरसल, फारिया और एमिन, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं? देखो, मुझे भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स के नाम याद हो गए। चलो, बहुत रात हो गई है, इस डिवाइस को करते हैं बंद और सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। चलो देखो। मैनार, बेटा आप अपना लंच बॉक्स शेयर करती हो ना अपने फ्रेंड्स से? गुड गर्ल। Good night. मन्नू, आ जाओ मेरे पास।